हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जगह से। आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। आज अमावस्या है, शनि जयंती है और शनि भगवान का इस साल कहते हैं ना, हम राशियों पे तो बहुत अच्छा टाइम है, हमें न्याय देने के लिए वो आए हैं। वृषभ राशि हो गई, कहते हैं ना वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं धनु राशि हो गई, मकर राशि हो गई, इन सब राशियों के लिए तो वो न्याय देने आए हैं। बाकी सबको तो उनके दंड की सज़ा तो देंगे। लेकिन एक बात बता दूं आपको, मैं पूरी रात पूजा की थी कल। आपको पता है रात को मैंने जो वीडियो डाली है, सुबह डाली मैंने वीडियो, क्योंकि मैंने पूजा करने के बाद में सोची पूजा करते समय वीडियो डालूंगी तो वहाँ पर एक तो नेटवर्क नहीं रहता, और प्लस कल ऐसा हो गया था कि कहते हैं ना ख्वाजा जी कहते ना सैलानी मेरे परीक्षा ले रहे थे। कल रात को जब मैं पूजे पे 11 बजे से बैठी, करीबन 1:30 बजे का बात है, 1:30 बजे का टाइमिंग था, अचानक से बारिश शुरू हुई। अब मैं बंदिश करके बैठी थी, छत पे बैठी थी, उठ नहीं सकती थी, बारिश हुई लेकिन मैं उठी नहीं। और उसके बाद फिर 5-10 मिनट बारिश हुआ, पूरी भीग गई थी, गद्दा वद्दा भीग गया, लेकिन फिर बारिश बंद हो गई। मैंने बोला आपकी जैसी मर्जी, मैं तो उठूँगी नहीं। मैंने अपना फ़ोन वोन बस नीचे भिजवा दिया सामने वाले को, क्योंकि बोल नहीं सकती थी, तो मैं जो भी मेरे साथ गए थे उनको मैंने मिस कॉल मारा, उनको बुलाया, उन्हें सामान दे दिया। लेकिन उसके बाद जब मैं पूरी पूजा करीबन 3 बजे पूरी की, 2:30 बजे पूजा पूरी करके मैं गई, जैसे ही दरगाह पे ताले बांधे, उनके उनके चौखट पे जैसे ही मैंने ताला बांधा, इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हुई, मैं आपको क्या बोलूँ कि मतलब वैसी बारिश, मतलब कि इंसान को आधे घंटे में पूरा मतलब पूरा जगह पूरा भीग गया, उतनी ज़ोर से बारिश पहले नहीं हुई थी। और करीबन कुछ 1 किलोमीटर ही फिर मैं अपने होटल आ गई, वहाँ नहीं रुकी, फिर यहाँ पे अपने होटल आ गए। 1 किलोमीटर के बाद तो बारिश ही नहीं थी। ये शक्तियों का चमत्कार था, मतलब शक्तियों ने मेरी पूजा कबूल की, क्योंकि कहते ना सैलानी बाबा का गाना है, नूर की बारिश देखो सैलानी है, रूहानी है। दूसरी बात, आज शनि अमावस्या तो है ही, मैंने प्रण लिया था कि मैं अमावस्या के दिन माँ के घर यहाँ पर प्रसाद करूँगी, तो आज इतना अच्छा सौभाग्य कि मैं जा रही हूँ, जहाँ पर शादी का था वहीं पर जा रही हूँ। आज अपने हाथों से हलवा पूरी भाजी सब्जी, पूरी भाजी सब्जी माँ को अपने हाथों से बना के वहाँ पे खिलाऊंगी, और साथ में 9 कन्याओं को जिमाऊंगी। कितनी अच्छी बात है, सैलानी जैसी जगह पे जहाँ पे हर हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, वहाँ सब मिक्स होकर बेटियाँ खाना खाएंगी और खाना बांटा जाएगा, और साथ में क्योंकि खुशी दुगनी, एक तो शादी का काम भी अच्छे से हुआ, मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे का काम भी अच्छे से हुआ, और मेरे राहुल गांधी जी का भी बहुत अच्छा हुआ। कल कोई तो डायलॉग मार रहे थे कि जीते हम हैं और इतरा ये रहे हैं, ठीक है ना, जीते हैं, लेकिन ये तो देखो कैसे जीते हैं। अब क्या है ना, कुर्सी का लोभ ऐसा होता है ना कि अब आप ज़बरदस्ती कुर्सी में डट के बैठना चाहें तो कोई कुछ क्या कर सकता है। हर जगह पे नए लोगों को मौका दिया गया, जो पुराने दिग्गज लोग थे, जो पहले से वेट कर रहे थे कि आज नहीं तो कल हमारा मौका आएगा, उन सबको तो आपने खदेड़ डाला। सबको मौका ना देके नए लोगों को मौका दे, लेकिन आप खुद उस कुर्सी से नहीं हटना चाहते, खुद उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, है ना। कोई बात नहीं, देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर के लिए नहीं आई है, अंत तो सबका लिखा है, पाप का घड़ा भरता है, अंत तो होगा ही होगा। ऐसी बात है। और हाँ, अयोध्या में कहते हैं कि वहाँ तो बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं, वहाँ के गरीबों का झोपड़ा तोड़ा गया, 40-40 साल से रह रहे थे, एग्ज़ाम हो रहा था, आपको शायद वो मीडिया में वो याद नहीं, क्योंकि मीडिया वाली भी पूरी खरी हुई, मीडिया वाली भी सिर्फ एक ही का दिखाता है, कभी भी और लोगों का नहीं दिखाता। हमारे जैसे हमारे राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, हमारे उद्धव वाला साहब खड़ा है, उनका नहीं दिखा रहा, उन्होंने मीडिया भी एक जगह बिक चुकी है, वो सिर्फ एक ही दिखा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, आज आप लोग बिके हो ना, कल देख लीजिएगा आप सबका अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि गलत के साथ गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, जब वहाँ गरीब लोग रो रहे थे तब कह रहे थे ना, अयोध्या की बात बता रही हूँ, जहाँ पे कम से कम कितने 40,000 झोपड़ों को गिरा दिया गया था और बोल दिया गया था जिधर जाना है जाओ। वहाँ पे एक औरत ने कहा था कहाँ जाए, बोलो ना, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबी पसंद नहीं है। बरसों से दादा के ज़माने के पक्के रूम, लाइट वाइट पक्का रूम तोड़ा तुम लोगों ने, तुम्हारे घर बचेंगे क्या? देख लीजिएगा, तुम्हारे घर में खुद दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये कुदरत का खेल है। और राम जी की बात कर रहे हैं, अरे राम जी तो भी छोटे हैं ना। सीता जी को तो लाए नहीं, लक्ष्मण जी को तो लाए नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो सिर्फ राम जी की गई। जब कहा गया कि सीता जी कहाँ, तो अरे मुझे बाल गोपाल हैं ना वो, तो
अभी तो वो बड़े होंगे तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं, वेट कीजिए। अभी तो कुछ कितने साल के, 5 साल के छोटे से बाल गोपाल हैं, अभी तो उन्हें बड़े होने में 20 साल जाएगा, तो 20 साल तक वेट कीजिए ना। 20 साल बाद शायद वो आपका सोचेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को कहाँ इतना रहता है, वो तो खेलने खाने में बिजी रहते हैं। देखो तुम्हारी बात तुम्हें ही थप्पड़ बन के पड़ रही है, ऐसी बात है। और जहाँ तक ये जो इतरा रहे ना, तो इतराते तो हम नहीं हैं, हमने तो एक कोशिश की और पप्पू को पास करके दिखाया और बहुत अच्छे नंबरों से पप्पू पास हुआ है, ये बात है। अभी तो हमने आधे के कांटे की टक्कर पे तोड़ा है। देखिए आज की तारीख में अब ये ऐसा हो गया है कि अब एक की सरकार नहीं रह गई है, मिली जुली सरकार है। अब आपको अगर अपनी सरकार बनानी है किसी को भी, तो बहुत सारे लोगों को जोड़ना लगेगा। जिन लोगों को आपने इग्नोर किया था वो लोगों को अब आपको मस्का मारना पड़ेगा। कहते हैं ना, जिसका मुंह देखना पसंद नहीं उसकी गांड देखनी पड़ेगी सबको। अभी ऐसी बात है, ये हमारे में कहावत है, कभी भी किसी के साथ गलत मत करो। बहुत सारे लोगों ने अपने ही खुद के पार्टी लेवल लोगों के साथ गलत किया है, बड़े बड़े दिग्गजों को हटा दिया, तो भी दिग्गज बैठे हैं क्योंकि वो आपको नहीं देख रहे, वो अपनी पार्टी को देख रहे। जैसे हमारे शिवसेना में लोगों को नहीं देखा, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को देखा और शिवसेना को देखा, जो हमेशा से बाला साहब ठाकरे के मतलब ईमानदार रहे हैं। ऐसी बात, ईमानदारी बहुत मायने रखती है। तो आज भी जहाँ भी सब ईमानदारी मायने रख रहे, बाकी कुछ नहीं। वो माय ऐसा मत सोचो कि वो बिक नहीं रहे, वो बिकना चाहे तो आज बिक सकते, लेकिन उनकी ईमानदारी उनके आड़े आ रही है, ऐसी बात है। लेकिन बेईमानी तो खून खून में बसी है, ऐसी बात है ना। देखिए एक बात बताऊँ, यूपी बनारस कहीं भी आप चले जाओ, वो हमारा जगह है, हम यूपी वालों का है, वहाँ पर किसी की नहीं चलती। हमारे विंध्याचल में किसी की नहीं चलती, हमारे विंध्याचल में अगर माँ का दर्शन करना आना है तो मत्था झुका के आओ, सर उठा के आओगे तो माता रानी खुद ही सर वो कर देते। और आपको शायद याद होगा मैंने कहा था ये बात कि जब वहाँ पे माता जी का जब नवरात्रि में इतना बड़ा चल रहा था, क्या बोलते हैं, नवरात्रि का जब चालू था वहाँ पे नवरात्रि का फंक्शन, तो नवरात्रि में बड़े बड़े दिग्गज नहीं आए थे, जो हारे हैं अभी। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि वो बहुत बिजी थे, मतलब घमंड। हमारे ये जो दो चार जन हारे हैं ना, वो हमारे विंध्याचल से ही विंध्याचल के गंगा किनारे डब्बा बजाते बजाते बड़े बड़े गायक बने हैं, और आज उन्होंने उन्हीं से घमंड दिखाया, तो माँ कैसे छोड़ेंगी। आज से 6 महीने पहले की वीडियो तो उठा के देखो, लेकिन माता रानी है ना, वो कुछ भी कर सकती हैं, ऐसी बात है। डंका तो बड़ी ज़ोर से बजा है, सारा घमंड चकना चूर हो गया है। और अब मैं खुद कह रही हूँ, आने वाले 20-25 सालों में अब ये दिन वापस नहीं आएगा। जैसे मैंने कोरोना के लिए कहा ना, अब ये 20-25 सालों में दिन नहीं आएंगे। और बाकी जहाँ तक रही हमारे राहुल गांधी जी की बात, कोई बात नहीं ना, हारे तो हारे, लेकिन बुरी तरीके से तो नहीं हारे ना। एक अपना लेवल लेके आए, 0 पे से 100 पे आना कितनी बड़ी बात है ना। और दूसरी बात, यूपी से पूरा सुफ्टा साफ हो जाना कितनी बड़ी बात है। यूपी में कौन आया, वापस से आए ना हमारे, अब साइकिल चलेगी हर जगह। घमंड देखिए, हमने कुछ नहीं किया, आपके घमंड ने और हमारे भगवान ने आपका घमंड तोड़ा, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के वकील हैं। और जब हमें कोई इग्नोर करेगा, हमारे भगवान से हमें दूर करेगा, तो कैसे चलेगा, सही बात है ना। क्योंकि पूजा पाठ रीति रिवाज हमें पता है कौन सी जगह पर क्या होता है, उसके बाद भी हमें टारगेट किया गया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिए होता है क्या, ऐसी बात है। कोरोना ला दिया, सब करवा दिया, थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, क्या और क्या, लाइट चालू करवा दिया, और उसके बाद क्या हो गया, दिए जलवा दिए। अब क्या कर रहे हैं, अब बताओ। अब तो सब मिली जुली चीज़ है, अब तो सबको मिली जुली सबकी बात सुननी पड़ेगी। आप इंसान अकेले अपनी मर्जी नहीं थोप सकता किसी पे, अब सबकी बात सुननी पड़ेगी। इससे बड़ी जीत हमारी क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं ये वीडियो इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे राहुल गांधी जी जो किसी के पास भीख मांगने नहीं आ रहे, वो बंदे ने मेहनत की, यात्रा की, यात्रा करके अपने बल पे वो इतनी बड़ी 0 पे से 100% पे आया और लोगों ने उनका साथ दिया। उस बात पे आप उन्हें शाबाशी देने की बजाय उन्हें उल्टी बात कर रहे, तो हमें भी तो गुस्सा आएगा ना। हम तो आपको उल्टा नहीं कह रहे, हम तो आपको सहारना दे रहे कि चलो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें हुई, हर इंसान अपने लिए अटल। ये कौन सी बात है कि आप लोगों ने लोगों को गाली देना, लोगों को नीचा दिखाना सिखाया है, हाँ ये कौन सी बात है। कोई बात नहीं, देखिए जीवन मरण सब यही है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं आता,
आज जो इतने कुर्सी के लिए इतरा रहे हैं ना, जिंदगी 5 मिनट के, अभी यहाँ मैं बात करी और 5 मिनट बाद मैं मर गई तो क्या करेंगे? ऐसी बात है। अभी आज लोग कुर्सी के और कुर्सी को पकड़ के बैठे हैं फेविकॉल का चुंबक लगा के, लेकिन अचानक से अगर हार्ट अटैक आ गया और अचानक से मौत हो गई तो क्या करेंगे? ब्लास्ट, ख़त्म। क्योंकि ऐसे भी ये साल 2024 सब आप लोगों के लिए ख़राब है। और दूसरी बात, ये 2024 में बड़ी बात नहीं करूँगी, जून का महीना चल रहा है, अगस्त तक का टाइम दिया, आने वाले अगस्त तक अगर ये जितने लोगों ने भी चीटिंग किया है इन सबका नामों निशान मिट चुका होगा, कुछ लोग तो ऊपर जा चुके होंगे। आज अमावस्या है, विद्या देवी ब्राह्मण जात की भारद्वाज गोत्र विंध्यवासिनी की बेटी, झूठ नहीं बोलेगी, बोली हूँ ना, कामाख्या से दीक्षित हूँ, बगलामुखी की सिद्धि है, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं, तुम जैसे क्यों क्या औकात जो मुझे आँख दिखाते हैं, ये डायलॉग हमेशा याद रखो मेरा। और मैंने जो करके दिखाया है ना, वो इस दुनिया का कोई पंडित नहीं कर सकता। बड़े बड़े यूट्यूब पे महारथी सब बैठे हैं, क्या किए क्या, मैंने तो जो जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। अब चाहे कोई माने ना माने, उनकी मर्जी, बाकी कुछ नहीं। देखिए एक बात बताऊँ, औरत चाहे ना तो घर बना सकती है, और औरत चाहे तो घर बिगाड़ सकती है। इसलिए एक बात याद रखना, कभी भी औरतों को वो मत करना। हमारी गोराई में नशे का बाजार इतना चल रहा था, मैंने पूरा सुफ्टा साफ कर दिया। पिछले साल बड़े बड़े बैनर्स लगे थे क्या उरुस में, इस बार सारे बैनर हटा दिए। गलती एक, हम किसी के से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, लेकिन अब ज़बरदस्ती आके आप हमसे भिड़ोगे तो हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। मेरी पहली बात एक है, आप मेरे रास्ते में नहीं हो, मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। अगर आप सांप के रास्ते में बार बार आओगे तो सांप तो डसेगा ही ना, ऐसी बात है। आप मेरे रास्ते में मत आओ, मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन लोगों को शौक है, विद्या देवी क्या कर रही है, विद्या देवी कहाँ जा रही है, विद्या देवी कहाँ आ रही है, विद्या देवी किसके साथ घूम रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे खुश है उसका परिवार। अरे इतना कहाँ से कमा लेती है कि इसके बच्चे लोग सब लोग अच्छे से खुश है, खा रहे, कमा रहे। अरे खुद का देखो ना भाई, खुद का देखो। जब तुम लोगों को करना चाहिए था तो किसी ने किया नहीं, और आज हमारे पे नज़र रख रहे हो, ऐसी बात। देखो मेरे खुद के अपने मुझे मेरे घर से बाहर निकालते रोड पे घूम के लोगों ने गिरा के मारा है। मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मेरी रक्षा करने के लिए मेरे मस्तान बाबा ठाम टूप में मेरी विंध्यवासिनी सीमा एकदम पीछे खड़ी हैं। तुम्हारे पीछे देखो कोई नहीं खड़ा है, तुम्हारे पीछे तो तुमने जिसको खड़ा किया, मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया, उन्होंने भी तुम्हें धोखा दे दिया। ये बात हो गई है, मंदिर बनवाने से, मस्जिद बनवाने से, कहते ना आस्था का खेल खेलने से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। पूजा पाठ को हम धंधा नहीं बनाते, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ लेकिन मेरा धंधा नहीं है, मेरा शौक़ है, मुझे शौक़ है कुछ पाने का, कुछ करने का, ठीक है। तो आप में और मेरे में बहुत फ़र्क है। तो बस मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप भगवान सब लोग जीते हैं, थैंक यू, अच्छी बात है, जीतो, भगवान करे बहुत आगे बढ़ो, लेकिन इसमें आपको कोई हक नहीं कि सामने वाले को नीचा दिखाओ। क्योंकि अगर हम ऊपर आसमान पे थूकते हैं ना, तो थूक हमारे ऊपर ही आके गिरती है, ये बात याद रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जय माता दी।